बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पंजाब हुकूमत ने तमाम तुलबा पर एक पाबंदी लगा दी गई है। वो कौन सी पाबंदी लगाई गई है? बहुत ही सख्त पाबंदी लगा दी गई है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। जो पाबंदी लगाई गई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ये पाबंदी क्यों लगाई गई है और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आगे भी इंशाल्लाह बच्चों की हेल्प के लिए और भी बहुत ज्यादा वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप मेरी एक फैमिली का हिस्सा हो, आप मेरे एक बहन भाइयों की तरह हो, आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये चैनल बहुत आगे जाएगा। और जिन बच्चों ने, जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच, अगेन थैंक्स। और न्यू विजिटर से अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको फौरन मिलती रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बात मैं आपको बताऊंगा वो वीडियो स्क्रीन पे भी आपको नजर आती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इसी बात पे बार बार अपनी तमाम वीडियोज में ये कह रहा था कि बच्चों जितना हो सके सोशल मीडिया से आप दूर है, ये आपके ब्रेन पर अटैक हो रहा है। आप सुने, अब पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि मोबाइल यूज नहीं करना, तमाम स्टूडेंट्स ने मोबाइल यूज नहीं करना क्लास के अंदर। और क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हो रहा है मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया की तरफ बच्चे जा रहे हैं, हमारे स्कूल के अंदर सारा टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे। बच्चों इस पर पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, वीडियो स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा हो, पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और पंजाब हुकूमत ने यह भी कहा है कि जो हमारे टीचर्स हैं, अगर टीचर्स भी क्लास के अंदर ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर, अगर मजबूरन उन्हें कोई कॉल्स आती हैं तो वो सुन सकते हैं, अदरवाइज फेसबुक व्हाट्सएप वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे, वो टीचर्स को देखेंगे तो वो भी स्टूडेंट भी उसी तरह के हो जाएंगे। तो हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी चाहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम, जितना कम हो सके उतना काम करें, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी जो यंग जनरेशन है वो वही करेगी जो हम करेंगे। जब टीचर्स मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे ही करें। अब पंजाब हुकूमत ने इस पर प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पंजाब हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर कोई इस बात की खिलाफवर्जी करेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब आपने मोबाइल फोन क्लास के अंदर नहीं यूज करना। ये 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और मैं भी इस बात का, आप ये ना समझें कि सर पता नहीं हमारी बुराई की बात, बच्चों ये आपकी भले की बात है, आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे आपका फायदा। ये जो सोशल मीडिया आपके ब्रेन पर अटैक हो रहा है, आपका ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट हो रहा है, आप ज्यादा टाइम, जितना आपके पास टाइम है आप अपनी बुक्स को टाइम दें, अपनी किताबों को टाइम दें और फोकस ऑन स्टडी, अच्छा पढ़ें, अच्छे मार्क्स अचीव करें और कुछ करके दिखाएं। आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं, माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरें। माँ बाप चाहते हैं कि आप पढ़ें, एजुकेटर बने और अच्छे इंसान बने, अच्छी जॉब पे आए, अच्छे मकाम पे आए, दुनिया आपको, या जब आप दुनिया से चले जाएं फिर भी दुनिया आपको याद करे। पेरेंट्स ये चाहते हैं, माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं चाहते, माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे आए और दुनिया उनको जाने। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, या अल्लाह पाक जो ये वीडियो सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, या अल्लाह पाक उनके पेरेंट्स को लंबी जिंदगी अता फरमा, आमीन आमीन आमीन। कमेंट्स में एक बार आमीन लाजमी लिख दें। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।